तो ये है मेरा स्कूटी और ये है बाइक, तो हम लोग बाइक से जाएंगे। लैपटॉप ऑन कर दिया है, बस अभी थोड़ी ही देर में ऑक्शन स्टार्ट होगी, इस स्क्रीन पे ही दिखाया जाएगा सारा प्लेयर्स का डिटेल। सोनू सिंह और ये कुछ खास है, मन्नी कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदने का सपना मेरा था लेकिन तन्मय खरीदेंगे प्लॉट। तो अभी ऑक्शन में ब्रेक हुआ है और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने तीन प्लेयर टारगेट किया है, माता रानी का मंदिर, जय माता दी। इस टीम का जो कप्तान है वो नजर आएंगे आपको वहां पे, महेश। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर महेश, कैप्टन महेश। गुड मॉर्निंग क्रिकेटर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, सो दिस इज महेश फ्रॉम GH05। तो अभी आप देख सकते हो मैं लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूँ, तो आज RPL का ऑक्शन है और जितने भी कैप्टन है सभी को कहा गया है कि लैपटॉप लेके आने ऑक्शन में, तो अभी लैपटॉप को पैक करके बैग में डालेंगे और डायरेक्ट जाएंगे ऑक्शन में। और इस बार काफी ज्यादा चेंजेस है ऑक्शन में, पहले तो टीम का नाम सब चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू स्पॉन्सर्स, टीम का नाम सब देख लीजिए, एक टीम का नाम है द ब्लड, एक टीम का नाम है बैरागोड़ा रॉयल्स, एक टीम का नाम है जादूगोड़ा सुपर किंग्स, एक टीम का नाम है लोधा टाइगर्स और एक टीम का नाम है चकुलिया वॉरियर। तो इस बार मैं कैप्टन हूँ चकुलिया वॉरियर का, ठीक है। तो सीधा अभी लैपटॉप करते हैं पैक, डालते हैं बैग में, अभी हम लोग निकलेंगे, हम और प्रदीप निकलेंगे ऑप्शन के लिए, निकलेंगे चकुलिया। और इस बार जैसे कि मैंने तीन मेन प्लेयर जो है अलग प्लेयर टारगेट किया जो इधर पहली बार खेल रहे हैं RPL में, जैसे कि रवि शर्मा, तम्य तंतुबाई और सौमित बनर्जी। तो मैंने टारगेट किया है कि ये तीन प्लेयर को मैं लेने की कोशिश करूंगा और बाकी जैसा होता है जैसा टीम बनने का पॉसिबिलिटीज होगा सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, और क्या सेटअप है सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। लैपटॉप में बैग में डाल ले रहा हूँ, लैपटॉप का पैकअप कर लेते हैं, पेन भी डाल लेते हैं, पेन भी बहुत काम आएगा टीम बनाने में। दो रेनकोट भी रख ले रहे हैं क्योंकि बाय रूट जा रहे हैं, तो अगर बारिश हुआ तो रेनकोट बहुत हेल्प करेगा बचने के लिए। तो ये है मेरा स्कूटी और ये है बाइक, तो हम लोग बाइक से जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव में हमेशा स्कूटी से अच्छा ऑप्शन बाइक ही रहता है। तो मेरा बाइक निकल गया है और प्रदीप स्कूटी लेके आया है, तो प्रदीप स्कूटी अपना यहाँ लगा देगा और हम लोग बाइक से जाएंगे। सो देख सकते हैं हम लोग दोनों रेडी हो चुके हैं और हेलमेट डबल, यहाँ पर झारखंड में डबल हेलमेट पहनना एकदम कंपलसरी है। तो प्रदीप अभी हम चलाते हैं, तुम कब चलाएगा? तेल डलवा लीजिए, उसके बाद हम चलवाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर हम चलाते हैं, फिर आगे चल के तेल लेंगे, उसके बाद से फिर प्रदीप चलाएगा, फिर उसके बाद हम ब्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे। तो पेट्रोल हम लोग ने ले लिया, ऑलमोस्ट हाफ टैंक की पेट्रोल है। हाँ राइट लेन, यही रूट से पड़ेगा चकुलिया का रास्ता। वैसे तो ट्रेन से भी जाते हैं बट क्या है कि वेदर अच्छा है, बाइक से जल्दी पहुँचेंगे हम लोग, रोड पर पड़े हम लोग। तो देख सकते हो गूगल मैप पे मैंने सेट कर दिया है, एक घंटा 30 मिनट दिखा रहा है पीछे कुछ उधर की, सो लेट सी। अपनी गाड़ी चला रहा है, पीछे बैठ गया है, देख सकते हो आप व्यू कितना ब्यूटीफुल व्यू है, यही खूबसूरती हमारी झारखंड की। और जब से RPL ऑक्शन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक मुझे काफी सारे कॉल आ रहे हैं, काफी सारे फ्रेंड लोग ने भी रजिस्ट्रेशन कराया, टीममेट्स लोग ने, अलग अलग प्लेयर्स जो भी साथ में कहीं ना कहीं खेले, तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई मुझे अपनी टीम में ले लेना, मुझे अपनी टीम में ले लेना। बट सबको तो अपनी टीम में लेना पॉसिबल नहीं है, तो पहला प्रेफरेंस तो मैं वही लोग को दूंगा जो लास्ट ईयर हम लोग चैंपियन हुए थे, तो जो सारा प्लेयर्स लोग का पहले तो प्रेफरेंस वही लोग को दूंगा, बाकी देखता हूँ किस किस को ले पाता हूँ। तो गाइज अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि सबको लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूल ऐसा हो गया कि पाँच प्लेयर रूरल का लेना है, ठीक है, बाकी उसके बाद 10 प्लेयर अपना मतलब ले सकते हैं अलग अलग सिटीज़ का। तो प्लीज़ डोंट माइंड जितने भी प्लेयर्स हैं अगर मैं आपको ना ले पाऊँ, ठीक है, क्योंकि सारा प्लेयर्स को लेना पॉसिबल नहीं है। जय माता दी। तो रास्ते में पर मिला है माता रानी का मंदिर, तो माता रानी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय माता दी। सो फाइनली हम लोग चकुलिया इंटर कर गए हैं, अब यहाँ से थोड़ी ही दूर में ग्राउंड है, देख सकते हो काफी शानदार व्यू यहाँ का चकुलिया का। इंटर कर चुके हम लोग चकुलिया,
वंदे मातरम देख सकते हो चाकुलिया में नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, देख सकते हो नेशनल फ्लैग के साथ बजरंग बली का झंडा। जय श्री राम। इधर जय श्री राम भारत माता की जय। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा केएनजी ग्राउंड, देख सकते हो यहीं पर होता है आरपीएल। तो अभी थोड़ी देर में यहीं पर स्टार्ट होगा ऑक्शन। यहाँ है स्क्रीन और ये सेटअप बापी वीडियो का, इसी में लाइव होगा। तो धीरे धीरे अभी सेटअप होता हुआ सारा कुछ, कुछ देर में स्टार्ट होगा। तो इस स्क्रीन पे ही दिखाया जाएगा सारा प्लेयर्स का डिटेल जब ऑक्शन स्टार्ट होगा। सो ऑल सेट आरपीएल का ऑक्शन का देख सकते हो। सो दीज ऑल आर द टीम, द ब्लड टीम नंबर 1, देन बहरागोड़ा रॉयल्स टीम नंबर 2 एंड टीम नंबर 3 चकुलिया वॉरियर। सो दिस इज माय टीम, आई एम द कैप्टन ऑफ चकुलिया वॉरियर। नंबर 4 जादूगोड़ा सुपर किंग्स, नंबर 5 लोधा टाइगर्स एंड द लास्ट टीम जेएसआर शील्ड। सो दीज आर द 6 टीम। तो मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर दिया है, बस अभी थोड़ी ही देर में ऑक्शन स्टार्ट होगी और ये प्लेयर लिस्ट भी मिल चुका है, जितने प्लेयर का रजिस्ट्रेशन हुआ है यही सारे प्लेयर का ऑक्शन होगा। और सारे स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं बापी वीडियो में, और टूर्नामेंट भी इसी चैनल में देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। गुड आफ्टरनून, और इस वक्त हम ऑब्वियसली सब जानते हैं हम क्यों यहाँ पे जुड़े हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ आरपीएल किसी भी टूर्नामेंट को चाहे उससे पहले ऑक्शन, और क्योंकि भैया मुकाबला बाद में खेलते हैं, मुकाबला तो आप खेलेंगे। और ये भैया है छठा साल, कहीं युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए फिर एक बार हम सबके चहिता ये कमेटी, रूरल कमेटी लेके आया है आपके चहिता ये टूर्नामेंट, आपके पसंदीदा ये टूर्नामेंट। क्रिकेट में भी इस टीम का बोलबाला रहा है इससे पहले, लेकिन पड़ेगा हमें आरपीएल सीजन 6 पर। We'll start to the blood और इस टीम के भैया कप्तान लाइट की तरफ से रहेंगे वहां पे अमरेश। तो सेकंड टीम फॉर दिस ईयर आरपीएल सीजन 6, इट्स बहरागोड़ा रॉयल्स है सौरभ। तो प्लीज ऑब्वियसली हम सब चले को जोरदार तालियां दे सौरभ के लिए। और थर्ड टीम फॉर दिस ऑक्शन इट्स चकुलिया वॉरियर, लोकल टीम है भैया। चकुलिया का नाम जब जब हम सुनते हैं कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे जरूर खड़ा होता है, क्योंकि ये चकुलिया के सरजमीन में फिर एक बार अपने नाम के प्रति सुविचार करने के लिए मैदान में जद्दोजहद करते हुए नजर आएगी आपको ये टीम चकुलिया वॉरियर्स। और इस टीम में जो कप्तान है तो नजर आएंगे आपको वहां पे महेश। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर महेश, कैप्टन महेश फॉर चकुलिया वॉरियर्स, ना जादूगोड़ा सुपर किंग्स। और इस टीम के जो कप्तान है ना, इनके पास भैया मैच्योरिटी है, इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। सो नेक्स्ट टीम लोधा टाइगर्स है, और इस टीम के जो कप्तान है विकास मिश्रा जी आपको नजर आएंगे कप्तानी करते हुए जमशेदपुर से। और इस टीम के जो कप्तान है नजर आएंगे वहां पर आपको सुशोभित, नाम बड़ा प्यारा है ये खिलाड़ी भैया, 24 कैरेट खारा सोना है सुशोभित, वो नजर आएंगे कप्तानी करते हुए। सभी टीम के पास फिलहाल 18,000 रुपीज है, और 18,000 रुपीज के अंदर ही आपको 15 खिलाड़ी खरीदना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्लेयर कौन रहेंगे, पहला खिलाड़ी और लकी चार्म और लकी प्लेयर कौन है जो आरपीएल सीजन 6 का फर्स्ट नेम जो ऑक्शन टेबल में हम सबके सामने आएंगे। जी हां, वी विल स्टार्ट विथ सूर्यकांत साहू द मैन फ्रॉम कोकपाड़ा, लेफ्ट हैंड बैटर, बाएं हाथ के बल्लेबाजी करते हैं, टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। बेस्ट प्राइस 500 रुपीज। तो एनीवन, आई एम लुकिंग फॉर ओनली 500 फॉर सूर्यकांत, सिर्फ 500 चाहिए मुझे सूर्यकांत के लिए। एनीवन हु कैन गिव मी 500 फॉर सूर्यकांत। सूर्यकांत 1 सूर्यकांत 2, गाइस लास्ट अपॉर्चुनिटी, सोच लीजिए सूर्यकांत जस्ट फॉर ओनली 500। सूर्यकांत 3 प्लेयर Unsold. Sumit Banerjee will start with 500.
500 के साथ हम स्टार्ट करेंगे सुमित बनर्जी, बेस्ट प्राइज 500. सुमित वन, सुमित टू, सुमित फर्स्ट बिड चकुलिया फॉर सुमित 500, चकुलिया फॉर सुमित 500, वन चकुलिया 600 ब्लड, 600 ब्लड, वन 600 ब्लड, टू 600, 700 चकुलिया, 700 चकुलिया, वन 700 चकुलिया, टू 700, 800 ब्लड, 800, 900 का आएगा, 900 चकुलिया, 900, वन 900, टू 900 चकुलिया, 1000 था ब्लड, 1000 था ब्लड, वन 1000 था ब्लड, टू 1000, 1100 चकुलिया, 1100 चकुलिया, वन 1100 चकुलिया, टू 1100 चकुलिया, थ्री सोल्ड, 1100, 1100 फॉर सुमित बनर्जी फ्रॉम चकुलिया वॉरियर्स. क्या 51 से आएगा? 51, 52, 52, क्या मन्नी का रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? 52 जे सर, 52, 53 चकुलिया, 54 जे सर, 54 जे सर, 1 55 चकुलिया, ओ माय गॉड, 55 चकुलिया, 1 5600, 5600, 5600, 5700 चकुलिया, एक बार ताली हो जाएगा, 5700 चकुलिया फॉर दिस प्लेयर तन्मय तंतुवाई, 5700 चकुलिया, 5700 चकुलिया, 1 5700 चकुलिया, 2 5700, 5900, 5900, क्या 6000 तक पहुंच पाएंगे? 5900 चकुलिया. तो अभी तक का सर सबसे हाई स्पीड है ये, सबसे हाई स्पीड. थैंक यू सौरभ गांगुली और हमारे सेट भैया को, लगातार जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं. 5900 चकुलिया, क्या 6000 आएगा? क्या 6000 के साथ लीड करेंगे जेएसआर? 5900 के साथ लीड कर रहे हैं चकुलिया. मन्नी कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदने का सपना मेरा था, लेकिन तन्मय खरीदेंगे प्लॉट. 5900, 1 5900, 2 5900, 3 sold. इस साल का अभी तक का सबसे हाईएस्ट बिड, ये बीड आया है चकुलिया वॉरियर्स की तरफ से तन्मय तंतुबाई के लिए. कैमरामैन जरा फोकस करो, 5900, जी हां. तो अभी ऑक्शन में ब्रेक हुआ है और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने तीन प्लेयर टारगेट किया है, सौमित, तन्मय और रवि शर्मा. तो सौमित और तन्मय को तो मैंने खरीद लिया है, तन्मय अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर किया है 5900 में. तो बाकी देखते हैं अभी ब्रेक के बाद कैसा कैसा हो पाता है, प्लेयर कैसा बनता है. अभी तक तो मेरे को मिला के 7 प्लेयर हुआ और 8 प्लेयर मेरे को खरीदने हैं. रवि शर्मा, एनीवन हु कैन गिव मी ओनली 1000, 1000, 1000, भड़ागुड़ा, चलिए साइमंड्स 1000, 1 रवि शर्मा 1000, 1 रवि शर्मा 1000, 11 चकुलिया, 1100 चकुलिया, 1 1100 चकुलिया, 2 1100 चकुलिया, 12 13 JSR, 13 1 14 चकुलिया, 14 चकुलिया, 15 JSR, 16 चकुलिया, 17 JSR, 18 चकुलिया, 19 JSR, 20 चकुलिया, 21 JSR, चकुलिया 1900 से ज्यादा नहीं जा पाएंगे. गाइस ऐसा बिल्कुल मत करिए, नेक्स्ट प्लेयर आप मुझे 500 देंगे, मैं घर लेके जाऊंगा ऐसा करेंगे तो. 1800 JSR, 1800 JSR, 1 1900, बस 1900, 1900, 2000 भैया मुस्कुराइए, 2000 बस, 2001, 2002, 2003 प्लेयर सोल्ड टू JSR. आखिरी प्लेयर का नाम मैं नहीं लूंगा, लेंगे हमारे रितंकर चाना रिभू. आइए सर, आखिरी प्लेयर का नाम रिभू लेंगे, ये लास्ट प्लेयर हैं. तो रिभू दा को वेलकम करूंगा आखिरी प्लेयर का नाम लेने के लिए. रिभू दा दीघा प्रीमियर लीग में ऑक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके थोड़ा बहुत नॉलेज है. रिभू दा, माइक्रोफोन इज योर्स. लास्ट बिट, लास्ट प्लेयर ऑक्शन के लिए, राज द्विवेदी, राइट हैंड बैटर, राइट हैंड बॉलर, राज द्विवेदी, 500 बेस्ट प्राइस 500, लोधा टाइगर्स 600, जेएसएस शील्ड, चाकुलिया वारे 700, 701, 702, 800, 800, सुपर किंग्स 800, सुपर किंग्स
800 सुपर किंग्स 1, 800 सुपर किंग्स 2, 800 सुपर किंग्स 3, सोल टू सुपर किंग्स, जादूगढ़ा सुपर किंग्स. थैंक यू रिबुदा, थैंक यू. 3 आवर्स लेटर. उस पेज में आपको सभी टीम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कौन सा टीम के कौन से खिलाड़ी खेलेंगे वो देखने मिल जाएगा. और जरूर ऑब्वियसली हम लोग ये आशा रखेंगे कि आप लोगों ने अपने सही टीम और पसंदीदा टीम वहां पे चेक कर पाए हैं. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू बाकी वीडियो. मानिक साहब इतना प्यारा टीम है. ऑक्शन कंप्लीट हो गया और मैंने अपना 15 प्लेयर का स्क्वाड भी आपको दिखा दिया. अब फाइल को बंद कर देते हैं. अब कुछ दिन में, एक दो दिन में व्हाट्सएप ग्रुप बना के सब प्लेयर को ऐड कर देंगे और आगे का डिटेल सब प्लेयर्स को वहां मिलेगा. सो फाइनली ऑक्शन इज ओवर. तो देख सकते हो मैंने आपको फाइल दिखाया, टीम बन चुका है. तो हम लोग जाएंगे वापस, रास्ते में हम लोग कुछ खाते हुए वापस जाएंगे. तो जितना पॉसिबल हो सका ऑक्शन का मैंने आपको दिखाया, ठीक है. एंड अगर आप लोग आरपीएल खेल रहे हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा. और कोशिश करूंगा कि आरपीएल के जितना भी मैचेस होगा मैं उसका मैच ब्लॉग लाऊंगा. और जितना प्लेयर मैंने ऑलमोस्ट टारगेट किया था सारा को लिया है, बट मेरा जैसे कि रवि शर्मा मिस हो गया और आकाश मिस हो गया, दो प्लेयर ये मेरा मिस हो गया. जैसे कि मैंने मोटा मोटी टारगेट किया था न्यू में, जैसे मैं सोचा था कि तन्मय को लूंगा, सौमित को लूंगा और रवि शर्मा. न्यू में तीन को मैंने सोचा था, तो तन्मय और सौमित तो मुझे मिल गया, मैंने खरीद लिया. बट रवि शर्मा को जब लेने का टाइम आया तो उस टाइम में तब मेरा जो बैंक बैलेंस है वो खत्म हो गया था ऑलमोस्ट. तो जितना उसका बजट भागा तो मैं उसको ले नहीं पाया, ठीक है. और आकाश का टाइम भी बहुत रेट हाई चल गया था क्योंकि तन्मय पर ही मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था. तन्मय इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट प्लेयर रहेगा, हाईएस्ट मतलब सबसे महंगा प्लेयर तन्मय 5900. उसके बाद फिर सेकंड हाईएस्ट है आपका परमित सिंह 5400 और थर्ड हाईएस्ट निशिकांत, ठीक है. तो सेकंड और थर्ड जो वो स्टेट प्लेयर है और तन्मय भी मतलब काफ़ी अच्छा प्लेयर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हुआ अच्छा प्लेयर है. तो आने टाइम प्रदीप चलाया था, अभी हम चलाएंगे. प्रदीप रेडी? हाँ भैया. रेडी हो गया ना? सो क्या बोलते हैं, टीम कैसा बना है हम लोग का? टीम तो ठीक ही बना भैया, अब देखते हैं ग्राउंड में क्या कर रहा है. हाँ वही है, ग्राउंड में कौन क्या करता है देखते हैं. बाकी तो टीम ऑल ओवर ठीक ही बना है, जैसे सोचा था वैसे ही बना है. बस रवि शर्मा और आकाश मिस हो गया, ठीक है. ओके गाइस, तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया. तो मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन प्रैक्टिस वेल परफॉर्म वेल. ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.